हाय, वेलकम टू एजेंट प्राइवेट लिमिटेड। आज की इस क्लास में हम ओडीबीसी के थ्रू डेटा को कैसे लॉक करते हैं और फिर एक्सेल के अंदर अपने फॉर्मेट में कैसे रीड करते हैं, ये दो टॉपिक रहेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम स्काडा के अंदर एक डेटा लॉगर बनाएंगे और उसको एमएस एक्सेस के अंदर ओडीबीसी के कनेक्शन के थ्रू उसको लॉक कराएंगे, यानी कि फैक्टिटॉक व्यू ऐसी स्काडा के अंदर एक डेटा लॉगर बना करके उसे ओडीबीसी कनेक्शन के थ्रू एमएस एक्सेस में डेटा को लॉक कराएंगे। फिर सेकंड पार्ट में हम इस डेटा से, जो डेटा हमने एमएस एक्सेस में लॉक कराया है, उसको एक सर्टेन फॉर्मेट के अंदर एक्सेल शीट में रीड भी कराएंगे। तो सबसे पहले हम कुछ रिपोर्टिंग के लिए अलग से सेपरेट टैग बनाएंगे। तो मैं एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बना लेते हैं, न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम नाम दे देंगे। मान लीजिए मैं नाम दे देता हूँ रिपोर्ट, ये मैंने एक रिपोर्ट नाम का दे दिया। अब इसके अंदर हम कुछ मेंबर्स बना देंगे, जैसे आपको जितनी भी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बना देता हूँ, जैसे मान लीजिए PV0, डेटा टाइप में हम रियल कर देते हैं, स्क्वायर में फ्लोटर रहेगा। तो ऐसे ही हम और भी बना देते हैं, इसके अंदर कुछ वन बना दिया, ये भी रियल है, ये हमने कुछ बना लिए। मान लीजिए मैंने 24 बना लिए, रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना सकते हैं 0 से 23, ये PV हमने यहाँ पर बना लिया। और भी क्रिएट कर सकते हैं, मान लीजिए दो और कर देते हैं, जितनी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से आप कर सकते हो। ये हमारे रिपोर्ट के अंदर हमने 25 टैग्स यहाँ पर बना लिए, ये हमने यहाँ पर बना लिए। अब नई फाइल भी बना सकते हैं, जैसे कोई मान लीजिए नाम दे देते हैं report_data और इसको हम एक बार इनेबल कर लेते हैं। इनेबल करने के लिए JSR को लगाएंगे। अब इसके अंदर जो भी डेटा प्रोग्राम के अंदर या प्रोसेस के अंदर जो भी डेटा आ रहा है, उसे हम एक अपने जो फॉर्मेट में डेटा है उस फॉर्मेट में हमने इसको मूव करा लेंगे, यानी कि सेंड करा लेंगे। तो जैसे कि हमारे पास, इसको एडिट मोड में जाएंगे और एक इनपुट रेफरेंस लेंगे और यहाँ पर पहले से जो टैग होंगे, जैसे कि मान लीजिए फील्ड से आ रहा है वाटर फील्ड का, ये कुछ चलता हुआ है, इसको हम अपने किसी भी पीवी में जो हमने अभी बनाया है रिपोर्ट वन नाम का बना लेते हैं। और इसके अंदर जो डेटा टाइप हमने अभी बनाया था रिपोर्ट का, वो हम डाल देंगे। जैसे क्रिएट करेंगे, अब रिपोर्ट वन नाम के अंदर सारे मेंबर्स यहाँ पर ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएंगे। हमने 25 मेंबर्स बनाए थे, ये 25 यहाँ पर, ये आप इंडिविजुअल भी बना सकते हो, लेकिन मैं इस तरह से बना रहा हूँ। तो हमने एक टैग यहाँ पर मूव कर लिया है, ये यहाँ पर जो वैल्यू इसके अंदर होगी वो report.pv0 में मूव हो जाएगी। और बाकी जो report.12345 ये और भी टैग हैं जिनको हम सीधा ही कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम स्काडा के अंदर आ जाते हैं। स्काडा के अंदर एक टैग फोल्डर बनाएंगे और जैसे मैंने टाइम बचाने के लिए एक टैग फोल्डर बना दिया है report_1 का, और इसके अंदर हमने कुछ मेमोरी टैग बनाए हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए। अब इसमें एक एक करके सारे टैग हम वो कनेक्ट करेंगे जो कि हमने अभी PLC के अंदर बनाए, तो ये इसमें हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, टाइम बच जाएगा। तो एक बार हम इसके अंदर रिफ्रेश फोल्डर करेंगे और जो अभी हमने रिपोर्ट वन नाम का एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाया है, इसी के अंदर की हम PV0 सेलेक्ट करेंगे और ऐसा कर। इसके बाद दूसरा टैग है, इसके अंदर हम कुछ दूसरा PV लेंगे और एक्सेप्ट कर देंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर उसका नेक्स्ट वाला लेंगे PV2 और इसको एक्सेप्ट कर देंगे, और फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर इसके अंदर भी हम PLC के टैग को कनेक्ट कर देंगे 3 नंबर PV। तो ऐसे सारे कर लेते हैं, फटाफट कर लेते हैं। सेम नाम की हमने PV बनाई ताकि हमको कन्फ्यूजन ना रहे। PLC के टैग हमने कनेक्ट कर लिए, यानी कि ये टैग हमने यहाँ पर कनेक्ट कर लिए। जो भी PLC से डेटा आएगा वो इन स्काडा के इन टैग में आ जाएगा और इस टैग को हम लॉक कराएंगे। तो पहला स्टेप एक तरह से कम्प्लीट हो गया। दूसरा स्टेप हमारा आएगा कि हम डेटा लॉग बनाएं। तो डेटा लॉग बनाने से पहले एक फोल्डर बना लेते हैं जहां हमें एमएस एक्सेस के अंदर हमें डेटा को रिकॉर्ड करना है। सी ड्राइव में एक फोल्डर बना लेते हैं, न्यू फोल्डर के नाम से यहां बना देंगे। मान लीजिए मैं APL रिपोर्ट के नाम से बना दिया और इसके अंदर एक हम डेटाबेस बना देते हैं एमएस एक्सेस
एमएस एक्सेस ले लेंगे ये, और ये कोई नाम दे देते हैं, मान लीजिए मैं रिपोर्ट वन डेटाबेस, ये नाम हमने इसका दे दिया। अब इस डेटाबेस के अंदर हमें डेटा को लॉग कराना है। नेक्स्ट स्टेप आता है कि हमें इसका कनेक्शन कैसे बनाना, ओडीबीसी का कनेक्शन कैसे करना है। तो ओडीबीसी का कनेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, एक बार सी ड्राइव में जाएंगे और विंडो के अंदर जाएंगे और यहाँ पर एस टाइप करते हुए सिसवाहू 64 इसके अंदर जाएंगे और इसके अंदर ओडीबीसी को सर्च कराएंगे। ओडीबीसी AD32 आइकन आ गया, इस पर डबल क्लिक, और इसके अंदर हमें सिस्टम डीएनएस के अंदर एक डीएनएस बनाना, यानी कि ओडीबीसी कनेक्शन बनाना। तो इसके अंदर हम एक ऐड करेंगे और यहाँ पर .mdb सेलेक्ट करके यहाँ पर एक नाम देंगे, मान लीजिए रिपोर्ट 1 DSN नाम दे, ये मैंने नाम दे दिया। और इसके बाद इसको कनेक्ट करना होगा, कहाँ पर कनेक्ट करना है, तो मैं सेलेक्ट में जाऊँगा, तो इसको हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और एक बार ओके कर देंगे, और इसके बाद इसको ओके कर देंगे, तो ये हमारा एक रिपोर्ट वन DSN के नाम से एक ODBC कनेक्शन बन गया। तो ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप है कि हम इसके अंदर एक डेटा लॉगर क्रिएट करें, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे और न्यू पे जाएंगे और यहाँ पर कोई एक रिपोर्ट वन DLG नाम का कोई एक डेटा लॉगर हम यहाँ पर बना देंगे और इसके अंदर एक बार यहाँ पर जाएंगे, ODBC डेटाबेस को सिलेक्ट करेंगे। ODBC डेटाबेस को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमें डेटा सोर्स का नाम देना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर जाएंगे और इसके अंदर हमने रिपोर्ट वन DSN नाम का एक हमने डेटाबेस बनाया था, इसको सिलेक्ट कर, ये सिलेक्ट हो गया। अब इसके अंदर हमें टैग डालने होते हैं, तो सबसे पहले टैग डाल देते हैं, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जितने भी टैग हमने बनाए हैं उनको सिलेक्ट करेंगे और ऐड कर दें, और एक बार ऐड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 24 टैग यहाँ पर ऐड हो। ऐड होने के बाद हम वापस सेटअप में जाएंगे और यहाँ पर हमको क्रिएट टेबल्स करना पड़ेगा, तो यहाँ पर एक बार क्रिएट टेबल में क्रिएट करेंगे, इसको यस कर देंगे, फिर यस करेंगे और फिर यस कर देंगे। ODBC टेबल वर क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब इसका नाम भी दे देते हैं, पोर्ट 1 DLG, डेटाबेस बन गया और डेटा टेबल भी क्रिएट हो गई, हमारा डेटा लॉगर भी रेडी हो चुका है। अब डेटा को हमें लॉग कराना है, तो लॉग कराने के लिए मैक्रोस में जाएंगे, यहाँ पर हम डेटा लॉग ऑन करेंगे, तो डेटा लॉग ऑन पर क्लिक करेंगे और अपना डेटा लॉगर को सेलेक्ट करके ओके कर दें और सेव कर दें। स्टार्टअप मैक्रो के अंदर आ गया और शटडाउन मैक्रो के अंदर इसको हम लॉग ऑफ करा देंगे, सेम डेटा लॉगर है। तो डेटा लॉगर के अंदर एक सेटिंग और भी करनी होती है, वो क्या है, वो है लॉग ट्रिगर। इसके अंदर हमको तीन ऑप्शन मिल जाते हैं, पीरियोडिक, ऑन चेंज, ऑन डिमांड। अगर पीरियोडिक करेंगे तो आप यहाँ से इसका पीरियड सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितनी देर में आपको एक डेटा रिकॉर्ड करना है। अभी के केस में हम केवल टेस्ट कर रहे हैं, तो हम एवरी 10 मिनट में एक डेटा लेंगे, एवरी 10 मिनट न लेकर के एवरी 2 मिनट का ले लेते हैं कि एवरी 2 मिनट में डेटा लॉग हो। जो भी रिक्वायरमेंट होती है प्रोसेस की, उसके हिसाब से हम डेटा को ले सकते हैं। 2 मिनट का सेलेक्ट कर दिया, ओके कर दिया। अब हम यहाँ पर कुछ हमने स्क्रीन बनाई है, जैसे स्क्रीन वन, इसके अंदर हमने जो स्काडा के टैग बनाए थे वो हमने यहाँ पर डाल दिए। तो इसमें एक फ़ायदा ये होता है स्काडा का टैग बनाने से पहले कि हम कुछ काम पहले से कर सकते हैं, ताकि हमें बाद में थोड़ा सा इसका टाइम बच जाए। अब हमने स्काडा के पहले से टैग, जो मेमोरी टैग थे, वही यहाँ पर हमने डाल दिए थे। अब वो हमने PLC के साथ कनेक्ट कर दिए, तो PLC का डेटा यहाँ डायरेक्ट आ जाएगा। दूसरा, हमने एक रिपोर्ट का बटन डाला है जो कि एक्सेल शीट में हमें रीड करके डेटा देगा, तो उसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, पहले हम इस पार्ट को देख लेते हैं। तो ये हमने एक स्क्रीन बना दी है, इस स्क्रीन के अंदर वो डेटा भी आएगा जो हमने PLC के अंदर कलेक्ट करना है, और यहाँ से हम इसको हमने एक्चुअली राइटेबल बनाया है, तो हम राइट भी कर सकते हैं। ये वाली वैल्यू राइट नहीं होगी क्योंकि ये हमने PLC के अंदर यहाँ से मूव कराई है, तो ये वैल्यू रीड नहीं होगी, यानी कि पहली PB हमारी राइट नहीं होगी, बाकी PB हमारी राइट हो सकती हैं। तो हम यहीं से डेटा डाल के
चेक कर सकते हैं, या तो स्काडा से डाल सकते हैं या फिर आप पीएलसी के अंदर भी इसके मॉनिटर में जा करके ये सारे टैग यहाँ पर हैं, यहाँ से भी आप डाल सकते हैं। तो ये काम कर लिया है। तो अब हम एक बार क्लाइंट को लॉन्च करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारा डेटा लॉग होता है कि नहीं। क्लाइंट को लॉन्च करते हैं, इस स्क्रीन को भी क्लोज कर देते हैं और क्लाइंट लॉन्च करेंगे। क्लाइंट लॉन्च करना हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में सीख लिया है, तो हम क्लाइंट लॉन्च करना यहाँ पर नहीं बताएंगे, नहीं तो हमारा टाइम यहाँ पर ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा। ये हमारा क्लाइंट लॉन्च हो गया है और ये हमारी पीएलसी के अंदर जो पीवी चल रही है एक, वो यहाँ पर वाटर फ्लो की पीवी दिखा रहा है, बाकी कुछ यहाँ पर डेटा ये दिखा रहा है। इन डेटा को भी हम यहाँ से कुछ डाल देते हैं, मान लीजिए इसको 500 डाल दिया, तो जो डेटा आप यहाँ डालेंगे वही इसके दूसरी पीवी में, दूसरी में डाला है तो दूसरी में पहुँच जाएगा। तो ये टैग पीएलसी के साथ ही कनेक्ट है, तो यहाँ से जो भी डालोगे या फिर आप इसके अंदर से जो भी डालोगे, मान लीजिए इसको 1500 डाल देते हैं, तो वो भी आपको स्काडा के अंदर यहाँ पर शो होगी। तो मान लीजिए मैं यहीं से डाल देता हूँ कुछ, जो भी वैल्यू डालना चाहो कुछ भी डाल सकते हैं, टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं। तो कुछ भी वैल्यू हमने यहाँ पर सेट कर दी और बाकी एक वैल्यू हमने जो फील्ड से आ रही है वो है, तो इन वैल्यू को हमारा लॉग होना चाहिए। अब हम कुछ वेट करेंगे, वेट करने का मतलब हम 2 मिनट वेट करेंगे, दो मिनट के अंदर ये अपना डेटा को लॉग कराएगा। अब एक बार देख लेते हैं इसके अंदर डेटा कितना आया। इसके अंदर हम आप ये देख पाएंगे इसके अंदर एक दूसरा भी एक लॉग टाइप ये दूसरा फाइल क्रिएट किया है इसने, इसका मतलब ये है कि ये डेटा हमारा कनेक्ट हो चुका है और इसके अंदर डेटा लॉग होना शुरू हो गया है। तो एक बार देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या डेटा आया। यहाँ देख पाएंगे जो भी डेटा हमने यहाँ पर टैग बनाए थे वो सारे के सारे टैग इसके अंदर इसने ले लिए और इसका एक इंडेक्स बनाया 01 2 3 4 5 3, यानी 4 5 ऐसे करके 23 था, तो ये यहाँ डाल दिया। और उसके बाद इसने इस फाइल में इसका डेटा आता है, यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, तो ये हमारा डेटा यहाँ पर लॉग होता हुआ दिख रहा है। ओल्डेस्ट टू शॉर्टेस्ट कर देते हैं, तो ये वाला टैग आप यहाँ पर वैल्यू को देख पाएंगे कि ये आप देख पाएंगे कुछ वैल्यू यहाँ पर आ गई हैं। न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट टू शॉर्टेस्ट कर देता हूँ, ये कुछ जीरो इसने 00 ले रखे होंगे इंडेक्स टू। हाँ ये देखिए यहाँ से डेटा शुरू हो गया। ये यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ पर ये इसने 12:26:41 यानी कि 12:26 और 41 ये आज की तारीख में, ये 59 यस ने लिया और जो भी वैल्यू यहाँ पे पड़ी हुई थी स्काडा के अंदर वो सारी की सारी वैल्यू यहाँ पर इसने रिकॉर्ड कर ली है। और 26:41 की एक वैल्यू इसने जितने भी टैग थे 24 उनकी वैल्यू यहाँ पर रिकॉर्ड कर ली। अब ये 26:28 पर दूसरा डेटा को रिकॉर्ड करेगा, तो हमें वेट करना पड़ेगा। अभी हमारा 27 हुआ है, 28 हो गया, 28 में कुछ सेकंड हो जाएंगी और कुछ मिली सेकेंड, यानी कि 26 सेकंड और 41 मिली सेकेंड हो जाएंगे तब ये दूसरा डेटा लेगा। तो यहाँ पर हम एक बार रिफ्रेश करेंगे और ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट जाएंगे, अभी डेटा नहीं आया है। ये देख सकते हैं आप, पहले इसने 24 मिनट पर लिया था, 12:24 का डेटा लिया था, फिर उसने 12:26 पे लिया है और तीसरा डेटा ये 2 मिनट बाद लेगा, क्योंकि हमने डेटा लॉगिंग की जो है वो 2 मिनट की है, तो इसलिए ये 2 मिनट में लेगा। अभी दूसरा आया नहीं है डेटा, थोड़ा टाइम लेगा।
ये देखिए आपने, ये हमने रिफ्रेश किया, यहाँ पर दूसरा डेटा आ गया, यानी कि तीसरा डेटा आ गया। ये पहले 26 पे आया था, सारे टैग की वैल्यू यहाँ पर लॉक कर दी इसने। अब ये 28 मिनट पे आया, 12:28 पे, तो जो वैल्यू थी वो उसने, जो भी वैल्यू मिल रही है इसको डेटा लॉगर के थ्रू, वो इसने लॉक करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये लॉक कर रहा है। तो पहला पार्ट ये हो गया कि हमें MS Access के अंदर डेटा को कैसे लॉक कराना है, वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। जो भी वैल्यू यहाँ पर SCADA के अंदर आप देख पा रहे हैं, या PLC के अंदर जो भी वैल्यू यहाँ पर देख पा रहे हैं, वो डेटा यहाँ पर लॉग होना स्टार्ट हो गया। यानी कि पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है कि जो भी वैल्यू हमको PLC के अंदर से लॉक करवानी है, तो MS Access के अंदर वो डेटा रिकॉर्ड होने लगा है। तो ये यहाँ पर रिकॉर्ड होता रहेगा। तो ये पहला पार्ट हमारा हो गया है, इसको हम सेव नहीं करते। यानी कि एक काम हमारा हो गया कि हमने डेटा को लॉक करना सीख लिया है। तो इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम से मिल सके। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।